हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम डालते हैं हरी मिर्च का अचार। ये हमने 250 ग्राम मिर्च ले ली हैं, इन्हें धो के अच्छी तरह कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है और इन्हें हम कट कर लेंगे दो पीसों में। ये काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में और इनके डंठल भी अलग कर देंगे और बीच में से इनमें चीरा लगा देंगे। और अब हम करते हैं मसाला तैयार। मिर्च हमने कट के तैयार कर ली है। मसाले में हमें चाहिए धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, राई। ये हम सारे मसाले दो दो चम्मच लेंगे और धनिया थोड़ा ज़्यादा लेंगे। धनिया हमने 3 चम्मच लिया है और इन सब के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच राई। इन्हें भी भूज लेंगे। ये ताज़ी वाली हरी मिर्च आती हैं, आप इस तरीके से इन्हें डालिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और आप ऐसे अचार डालेंगे तो आप 15 दिन तक इन्हें रख कर खा भी सकते हैं, नहीं तो क्या है ये जल्दी फंगस लग जाती है और ख़राब हो जाती है। इसमें 1 चम्मच डाल दिया मेथी दाना, इसे भी भूज लेंगे। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। फिर इसे हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी के जार में। ये लगभग अब ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इसमें मिर्च के अचार में बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। और गैस को कर देंगे बंद। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अभी मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये मिर्च खाने में तीखी नहीं होती हैं। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। और इन्हें सब डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये ऑयल तैयार करा है, इसमें हम ये ऑयल भी डाल देंगे और इसे भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। मिर्च, चलिए हम मिर्च में अब भरते हैं इसे। ये मैंने 250 ग्राम मिर्च के लिए इतना मसाला तैयार करा है। आप जितनी मिर्च लें उतनी ही क्वांटिटी में मसाला तैयार कर लें। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे विनेगर, इससे क्या है कि मिर्च हमारी ख़राब नहीं होती हैं, लंबे समय तक अचार रुकता है इससे, खाने में भी थोड़ा खट्टापन आता है इसके अंदर। अब ये मसाला हम ऐसे मिर्चों में भर देंगे अच्छी तरह हाथों से। एक बार आप ऐसी मिर्च का अचार डालकर देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें हमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमने ऑयल उतना ही लिया है जितना हमारा मसाला मिल चुका। मिर्च का अचार ऐसे हम भर के सारी मिर्चें तैयार कर लेंगे। आप एक इसे बर्तन में रख लीजिए 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद आप इसे कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। अगर आपको मिर्च के अचार की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। ये बाकी तेल बचा है, इसमें वो डाल देते हैं हम। ये लीजिए, मिर्च का अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।